हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये रिजल्ट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम इस वाले वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या चीज है। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय पी एक्स इज वॉट अ पॉलिनामियल इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर विल बी पी ऑफ ए। पी ऑफ ए रिमाइंडर पी ऑफ ए रहेगा कब? जब P ऑफ x कोई पॉलिनामियल को x माइनस ए से डिवाइड करे। तो मान लो कि P ऑफ x, सपोज इफ P ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, अगर मान लो P ऑफ x को डिवाइड करते डिवाइडेड बाय Q ऑफ x बाय सॉरी x माइनस ए। अगर हमने पी ऑफ एक्स को क्यू एक्स माइनस ए से डिवाइड किया तो हो जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और कोशेंट मान लो कि क्यू ऑफ एक्स है, मान लो कि कोशेंट क्यू ऑफ एक्स है। सपोज इफ पी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन कोशेंट इज क्यू ऑफ एक्स एंड रिमाइंडर इज आर, देन तो ये क्या लिख सकेंगे हम? डिविडेंड पी ऑफ एक्स है, डिवाइजर एक्स माइनस ए, कोशेंट एक्स पी क्यू ऑफ एक्स है, और रिमाइंडर को क्या लिखा हमने? आर। तो एक्स की जगह अब हम दोनों साइड ए रख दें। ऑन पुटिंग अगर हम दोनों साइड में एक्स की जगह ए रख दें अब तो देखना क्या होगा। ऑन पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए, पी ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटू क्यू ऑफ ए प्लस आर। ये वाला पोर्शन ए माइनस ए जीरो, जीरो इंटू क्यू ऑफ ए जीरो। तो आपके पास आ गया पी ऑफ ए इज इक्वल टू आर, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई? पी ऑफ ए। यही लिखा हुआ है इसमें कि इफ पी ऑफ एक्स पॉलिनामियल इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर विल बी व्हाट? पी ऑफ ए। ये रिमाइंडर रहेगा पी ऑफ ए। फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल इफ पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इज डिवाइडेड बाय x माइनस वन, देन जब हम इसको x माइनस वन से, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने जो आपको बताई थी, लॉन्ग डिवीजन मेथड x माइनस वन से डिवाइड करते और आखिरी में जो रिमाइंडर बचता था, देन रिमाइंडर विल बी पी ऑफ वन। पी ऑफ वन यानी x की जगह वन रख दीजिए तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस थ्री। ये माइनस थ्री इंटू वन इज माइनस थ्री और ये प्लस थ्री, कैंसिल, आंसर इज वन। तो आपका आंसर होगा वन, यानी वन रिमाइंडर बचेगा। आप इसको चाहें तो एक क्वेश्चन ऐसा है, मैं इसमें आपको चेक करा सकता हूँ। देखिए कैसे चेक करेंगे। चेक करने का भी प्रोसेस बड़ा आसान सा है। जैसे लास्ट टाइम हमने डिवीजन मेथड सीखी थी, डिवीजन सीखा था पॉलीनामियल से पॉलीनामियल का, वैसे ही है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर बनाने के लिए इसको एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू, फिर साइन चेंज कर दें प्लस माइनस, ये आ जाएगा आपके पास वन। ये वन क्या बच गया आपके पास?
ये वन आपके पास उसका रिमाइंडर बच गया, किसका रिमाइंडर, इस पॉलिनामियल को जब हमने x माइनस वन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आएगा आपके पास, ये देखिए वन, और यहाँ भी कैसा आया वन। तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर पता लगाने के लिए इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो आइए अपन समझते हैं कि कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर वन कि रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इसका रिमाइंडर पता लगाना है जब इट इज डिवाइडेड बाय व्हाट, तो इट इज डिवाइडेड बाय अब इसमें केसेस दिए हुए हैं, पहला केस है डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, सेकेंड केस है डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन बाय टू, थर्ड एक्स, फोर्थ एक्स प्लस पाई, फिफ्थ है फाइव प्लस टू एक्स। तो आपको क्या पता लगाना है, फाइंड रिमाइंडर इफ दिस इज डिवाइडेड बाय नंबर वन एक्स प्लस वन। तो सबसे पहले हम x की जगह यहां पर क्या रख देंगे, माइनस वन, क्यों, क्योंकि थ्योरम कहती है इफ x माइनस, इफ थ्योरम कहती है इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, अगर x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होगा p ऑफ a, देन रिमाइंडर इज p ऑफ a। मतलब अगर x माइनस a है तो x की जगह क्या रखना पड़ता है, a रखना पड़ता है इसमें, तो यहां x प्लस वन है तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा, x की जगह माइनस वन रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां a कौन है, तो a आप निकालने के लिए इसको ऐसे लिखो x माइनस माइनस वन, तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, माइनस वन। लेकिन इसकी सबसे अच्छी तरकीब है कि x की जगह कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो आप सबसे पहले x प्लस वन को जीरो से इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, इसमें x की जगह क्या रखेंगे, तो x की जगह इसमें रखेंगे, x की वैल्यू आएगी इसमें वन बाय टू, इसमें x इज इक्वल टू जीरो, इसमें x की जगह क्या रखेंगे हम, तो x प्लस पाई इक्वल टू जीरो, तो x की जगह रखना पड़ेगा हमको माइनस पाई। ये पता लगाने के लिए कि रखना क्या है, तो ये 5 प्लस 2x है, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, 2x इज इक्वल टू माइनस फाइव, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय टू। तो ये हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो सबसे पहले x की जगह क्या रखते हैं हम, माइनस वन, किस में रखेंगे, इस एक्सप्रेशन में, तो ये जाएगा माइनस वन क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन। कैलकुलेट कर ले, माइनस वन का क्यूब माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, तीन बार माइनस तो माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, थ्री इंटू वन थ्री, माइनस थ्री प्लस वन, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, जीरो, तो इसका रिमाइंडर आया जीरो। मतलब ये इसका एक फैक्टर बन गया, क्यों फैक्टर बन गया, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया। अब एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, वन बाय टू, तो x की जगह 1 बाय टू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 1 बाय टू का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 बाय टू स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 बाय टू प्लस 1, 1 बाय एट, 3 बाय फोर, 3 बाय टू प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले ले, और एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो एलसीएम आएगा इसका 8, 8 से डिवाइड कर दें, 8 वन जा 8, 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 टू जा 8, 2 थ्री जा 6, 2 फोर जा 8, 4 थ्री जा 12, 1 8 जा 8 और 8, ये हो गया आपके पास 12 प्लस 8 20, 27 बाय 8, ये आपका रिमाइंडर है। और जब आप इसको किससे डिवाइड कर देंगे, आप इससे डिवाइड करेंगे, x x से डिवाइड करेंगे
तब आपके पास आ जाएगा जब आप इसको x से डिवाइड करेंगे, यानी x इज इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा, तो जीरो क्यूब प्लस थ्री इंटू जीरो स्क्वायर, ये सेपरेट कर दिया, प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस वन, तो ये आपके पास आया वन। जब आप इसको x इज इक्वल टू पाए यानी x की जगह माइनस पाए रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाए का होल क्यूब थ्री इंटू माइनस पाए होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस पाए प्लस वन। अब इसमें बहुत सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा, माइनस पाए का क्यूब हो जाएगा आपका माइनस पाए क्यूब, माइनस पाए का स्क्वायर पाए स्क्वायर, तो थ्री इंटू पाए स्क्वायर माइनस थ्री पाए प्लस वन। अब यही आंसर बन जाएगा आपका, इसको अब ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना। और एट दी लास्ट इस वाले के लिए आप एक्स की जगह क्या रख दें यहाँ पे, माइनस फाइव बाई टू, तो माइनस फाइव बाई टू का क्यूब थ्री इंटू माइनस फाइव बाई टू का स्क्वायर थ्री इंटू माइनस फाइव बाई टू प्लस वन। और अब आप इसे सेल्फ कैलकुलेट करना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको क्या, नहीं इसे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको क्या समझ में आया और आपको क्या प्रॉब्लम आई, कुछ भी जो भी इससे संबंधित डाउट्स हों डिफ़िकल्टीज हों आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा मोबाइल नंबर भी मैंने आपको दिया हुआ है, आप उस मोबाइल नंबर पर मुझे लिख के दे सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन नंबर टू है जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर जो टू है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको भी इसी रिमाइंडर थ्योरम से ही करना है हमें। तो देखिए क्या होगा, वो पूछते हैं कि रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, जब इसको एक्स माइनस ए से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या होगा। तो वो भी ऐसा ही है कि एक्स माइनस ए को जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए, और एक्स की वैल्यू ए किसमें डालना है हमें, इसमें। तो जब हम इसमें डालेंगे तो ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस ए, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सिक्स ए में से ए गया तो फाइव ए, तो आपका आंसर आ जाएगा फाइव ए, क्योंकि ए क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। तो ये था इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में चेक वेदर ये एक्सप्रेशन है 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, ये इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो इसको 7 प्लस 3x को सबसे पहले किससे इक्वेट करेंगे, जीरो से, तो x की वैल्यू मिल जाएगी कि x की वैल्यू क्या होगी, माइनस सेवन बाय थ्री होगी। अब x की जगह माइनस सेवन बाय थ्री इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, अगर x की जगह माइनस सेवन बाय थ्री सब्सटीट्यूट करने में ये जीरो हो जाएगा तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा। तो x की जगह मैं माइनस सेवन बाय थ्री डालता हूँ, तो x की जगह मैंने माइनस सेवन बाय थ्री डाल दिया, देखिए माइनस का क्यूब है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस बाहर, थ्री इंटू सेवन क्यूब अपॉन थ्री क्यूब, तो थ्री इसको क्यूब को कैंसिल कर देगा तो ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर नाइन, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन अपॉन थ्री, तो ये कितना आया अपने पास, माइनस सेवन क्यूब फोर्टी नाइन इंटू सेवन, सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री, सेवन इंटू सेवन फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन इंटू सेवन, तो सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट प्लस सिक्स थर्टी फोर डिवाइडेड बाय नाइन माइनस फोर्टी नाइन बाय थ्री विच इज़ नॉट जीरो, विच इज नॉट जीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस सेवन बाय थ्री इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस।
अगर ये जीरो हो जाता देन इट कुड बी अ फैक्टर, देन इट कुड बी अ फैक्टर। अब दोस्तों आप चेक करना, मैं आपको एक्स्ट्रा होमवर्क टाइप दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 4 बना के चेक करो, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x² तो इसमें आपको आंसर मिलेगा यस इट इज अ फैक्टर, क्योंकि जब x की जगह -7/3 आप इसमें रखोगे तब आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, चेक करना और मुझे लिख भेजना, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अभी तक आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया हो तो बेल आइकॉन का बटन दबाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।